नमस्कार साथियों, गुरुदेव बृहस्पति मन की शुद्धि के भाव के प्रतीक राशि कर्क में उच्च के होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो धन कमाना नहीं है, वो प्रतिष्ठा कमाना नहीं है, उसका सबसे बड़ा उपयोग है प्रेम कमाना। मतलब लोगों के बीच में प्रेम बढ़े जिसके ज्ञान की वजह से, वही उत्तम ज्ञान है। जिसके ज्ञान की वजह से लोग एक दूसरे का केयर करना सीखें, वही अच्छा ज्ञान है। और अगर मन में शुद्धता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भी उसके नुकसान का कारण तो बनता ही है, समाज के भी नुकसान का कारण बनता है। तो सबसे पहली शुरुआत मन की शुद्धता से ही होनी चाहिए। हमारा मन पवित्र है तभी हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी योग्यता हमारे काम आएगी और दूसरों के काम आएगी। इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के लिए। जुलाई का जो राशिफल है वो कैसा रहेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन इस माह हो रहे हैं, जिनमें से एक है देव गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, हालांकि वो जून से ही शुरू हो जाएंगे। साथ में गुरु मंगल योग बनने वाला है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो ये गुरु मंगल आपके चौथे भाव में बनने वाला है, इसके रिजल्ट को देखेंगे। और 12 तारीख तक मंगल आपके तृतीय भाव में अपनी राशि के रहने वाले हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में है, शनि आपके प्रथम भाव में कुंभ राशि में, और केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में चल रहा है। बुध का गोचर शुरुआत में आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में दिखाई देता है। सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में बनी हुई है। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, भैया शनि की ढैया चल रही है, राहु द्वितीय भाव में है, गुरु चौथे भाव में चल रहे हैं। गुरु जब चौथे भाव में है तो इसको हम ग्रेट नहीं मानते, पर ठीक ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका गुरु की दशा, अंतरदशा और गुरु कुंडली में सब शुभ है तब तो अच्छा है। इसी तरह से साढ़े साथी में भी अगर आपके शनि स्ट्रांग है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, राहु केतु आदि की दशा नहीं है, तब भी ये साढ़े साथी भी आपको ऊपर उठाएगी। ऐसा नहीं कि साढ़े साथी सबका खराब ही होती है, आप ज्योतिषी के पास जाएं भैया साढ़े साथी इसलिए सब खराब हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। शनि देखना होगा, चंद्रमा देखना होगा और राहु भी द्वितीय भाव में जो है बहुत, तो ये नहीं कह सकते बहुत ग्रेट गोचर चल रहे हैं आपके, कि बहुत महान गोचर चल रहे हैं, पर कुछ महान चीज़ों की शुरुआत अवश्य अगले महीने से हो रही है। वो क्या है? वो है गुरु का रोहिणी नक्षत्र में आना। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, तो यहाँ बैठ के गुरु आपके लिए घर जमीन से संबंधित कुछ सुख लेके आ सकते हैं। करियर में आपके बढ़िया कुछ कर सकते हैं, खर्चा तो वो बढ़ाएंगे पर विदेश जाने का यात्रा के लिए अगर आपके प्रयास हैं उनमें आपको सफलता दे सकते हैं। साथ ही में ये जो अष्टम भाव है, मतलब ससुराल में आपके कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ इनहेरिटेंस वगैरह, इंश्योरेंस का पैसा, कुछ छोटा मोटा ऐसा, मतलब लाभ जो आपने अभी नहीं किया। छोटा मोटा क्यों? क्योंकि जिसकी कुंडली में बहुत अच्छा शुभ योग हुआ तो उसको कोई बड़ी चीज़ भी मिल सकती है। ये तो ओवरऑल है ना, करोड़ों लोगों का है, तो किसी को कम लाभ होगा, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा, डिपेंड करेगा जन्म कुंडली पर। हाँ, कुछ इस तरह का लाभ जो आपने नहीं किया, जैसे इनहेरिटेंस मिल गया, माता पिता से धन मिल गया, ससुराल से मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा अगर आपका काम है, चाहे वो टैरो है, अंक ज्योतिष है, आपका कोई भी मंत्र तंत्र का, पूजा पाठ का, कुछ ऐसा काम जिसको हम अकल्ट मानते हैं, जो कहीं ना कहीं रहस्य है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं भैया है, कुछ कहते हैं नहीं है, इस तरह का कोई काम है, तो उसमें आपको वृद्धि होगी, उससे आपको सफलता मिल सकती है या उस काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा रिसर्च, ऑडिट, टैक्स, टेक्नोलॉजी के काम के लिए भी ये गुरु का जो गोचर है बढ़िया है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स का यूज होता हो, उससे जुड़ा काम है, तो आपके काम में अगले महीने से तेजी आने को दिखाई देगी। शनि की बात कर लेते हैं, बहुत समय से चल रहे हैं, शश नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं साढ़े सात ही चल रही है। भैया क्या चल रहा है? चल तो साढ़े सात ही रही है, अगर कुंभ राशि है, लग्न है, तो फिर ये थोड़ा बेटर स्थिति है, उस केस में शश महापुरुष योग ज़्यादा इफेक्ट होगा। पर राशि में भी अगर शनि मजबूत हैं, कुंडली में शुभ योगों में है, शुक्र से कहीं ना कहीं उसका संबंध बन रहा है, राजयोग में है, लक्ष्मी योग में है, तो साढ़े साथी भी ऊपर ले जाएगी, बसरते आपके चंद्रमा मजबूत हो। चंद्रमा मजबूत कैसे होता है? उस पर बस अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, ठीक रहेगा। नीच का चंद्रमा भी अच्छा कर जाता है, अगर उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो वो ठीक ही है।
और बढ़ा हुआ चंद्रमा, एकदम छोटा नहीं है, अमावस्या के आसपास का नहीं है, फिर वो चंद्रमा अच्छा ही रहता है। थोड़ा नवांश में भी देख लीजिएगा, अच्छा है चंद्रमा आपका, डरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर शनि खराब है, चंद्रमा कमजोर है, तो फिर आप देख रहे होंगे हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट बढ़ रहा है, प्रयास करने पर भी चीजें हो नहीं रही। स्पाउस और पार्टनरशिप में, बिजनेस में आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अगला बंदा समझने को तैयार नहीं है। और वर्क ऑफिस में भी आपके रेपुटेशन को ना लोग चाहते हैं कि नीचे जाए, इस तरह की चीजें चल रही होंगी अगर आपकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो। अब राहु, राहु कह रहे हैं भैया धन के मामले में बड़ा संभल के, आपके अच्छे ग्रह दशा की वजह से कमा भले ही आप बहुत रहे हो पर फायदा नहीं होगा। आपने 2 करोड़ कमाए और कहीं इन्वेस्ट करके सोचा 2 करोड़ का थोड़ा बढ़ जाए, बढ़ने की जगह घट जाएगा। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहां लॉस हो जाए, इस तरह की संभावनाएं हैं। और परिवार में थोड़ा कुछ ना कुछ चलेगा, माता पिता की साइड या सास ससुराल में कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव को भी देखेंगे तो दोनों तरफ के परिवार, आपका परिवार, आपके पार्टनर का परिवार, वहाँ पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको मिलेगा। कुछ ऐसी न्यूज भी हो सकती हैं जो बहुत बढ़िया ना हो इस साल, अभी नहीं इस साल ही पूरा, जो बहुत बढ़िया ना हो, जैसे किसी की डेथ हो गई परिवार में, ये सब पॉसिबिलिटी जो है पूरी साल से ही चल रही है, ऐसा नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छाई क्या है, फॉरेन विदेश चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। आप अपने काम में बदलाव लाएं, चेंज लाएं, पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ, ऐसा नहीं जल्दबाजी में, क्योंकि राहु जल्दबाजी, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। जल्दबाजी राहु केतु, ये जो है ना सडन चीज़ें जो हैं वो राहु केतु से जुड़ी होती हैं, तो उस केस में ये आपको नेगेटिव बैकफायर कर जाएंगे। पर अगर आप ध्यान से काम करोगे, सोच समझ के, पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ काम करोगे, डरोगे भी नहीं, ये भी नहीं कि काम आपको पता करना चाहिए पर कर नहीं रहे, तो अच्छा रहेगा। एकदम नया काम करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, शनि वक्री हो चुके हैं। अगले 4.5 महीने आप कह सकते हो 15 नवंबर तक कोई बहुत बड़ा काम, ऐसा काम जैसे आप बिजनेस में है और छोड़ के ना जॉब करना शुरू कर दिया, या जॉब में है बिजनेस में पहुंच गए, इस तरह का कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना। जो आप कर रहे हैं उसके लिए कोई जरूरी चीज़ है, उसके लिए कोई नई चीज़ है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे भी देवसयानी एकादशी आपकी पड़ रही है 17 तारीख की, भगवान विष्णु जो है ना सैया पे जाते हैं सोने के लिए क्षीर सागर में, वो भी 4 महीने तक इसको मानते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा नया काम ना करें तो ठीक ही रहता है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं मंगल के लिए। देखिए मंगल 12 तारीख तक कर्म का स्वामी, आपके पद प्रतिष्ठा का जो स्वामी है, आपके प्रयास के भाव में उच्च का अपनी राशि में बैठा हुआ, तो आप प्रयास करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, यात्राएं छोटी मोटी रह सकती हैं, छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। साथ में ये कहीं ना कहीं अच्छा ही योग है, मंगल का तृतीय भाव में व्यक्ति पराक्रम करता है, मेहनत करता है, जिसने पराक्रम किया है उसी ने जीत का मजा चखा है। वो बात अलग है कि भाई कई बार पराक्रम करके भी हम नहीं जीत पाते या नहीं आगे निकल पाते, पर कुछ सीखते तो हैं ही ना, फिर वो सीख हमारे काम आती है वो। पर ये सब कब तक, 12 तारीख तक, 12 के बाद मंगल यहाँ आएंगे, गुरु मंगल योग बनेगा, मंगल दशम अंश के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, दशम भाव को देखेंगे, साथ में लाभ का स्वामी भी बैठेगा। भैया आपके काम से आपका लाभ होगा, आपके सीनियर्स, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली की वजह से आपका लाभ होगा, आपके मेहनत से आपका लाभ होगा, आपका जॉब वॉब लगने के बहुत चांसेस बन रहे हैं 7.5 के होने के बावजूद, राहु के द्वितीय भाव में गोचर करने के बावजूद, बसरते मंगल की दशा अंतरदशा, गुरु की दशा अंतरदशा, और इनकी कुंडली में स्थिति मजबूत हो तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं कि सबका होने वाला है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये तो गुरु का हो गया, मंगल का हो गया, जब मंगल यहां आएंगे तो प्रेम जीवन में थोड़ा ख्याल रखना होगा, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, पर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा बेनिफिट यहां हो सकता है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तृतीय भाव, अब तृतीय भाव में तो भैया तृतीय भाव से तो मंगल चौथे में आ गए, पर पंचम भाव में क्या हो रहा है, सूर्य और शुक्र बैठेंगे आपके, कब तक, 1 से लेकर 7 तारीख तक। अब पंचम भाव में सूर्य शुक्र दोनों का ही गोचर अच्छा है, शुक्र की यहाँ पर स्थिति प्रेम को बढ़ाएगी, एजुकेशन के लिए भी आपका बढ़िया रहेगा, आपको थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी संतान बढ़िया करेगी। पर 7 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये यहाँ चले जाएंगे और आपके छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा।
अब ये छठे नाभाव में जो लक्ष्मी नारायण योग बना है, ये कहता है भैया थोड़ा मेहनत हार्डवर्क थोड़ी बढ़ेगी, खास करके अगर आप शुक्र के काम में हो, पिता से जुड़े हुए काम में हो, आप कहीं ना कहीं फीमेल से जुड़ा कोई काम करते हो, क्रिएटिविटी, होटल, मनी से संबंधित कोई काम है आपका, मीडिया, शुक्र के जो काम होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस तरह के काम में हो तो मेहनत एफर्ट थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, पर अल्टीमेटली रिजल्ट सही रहेगा, क्योंकि ये राजयोग है एक तरह से, शुक्र और बुध का राजयोग छठे भाव में बन रहा है, तो जॉब से, मेहनत से, हार्डवर्क से, सर्विस से, सेवा से आपका लाभ होने वाला है। ये दोनों ग्रह मिलकर आपके बारे में भाव को देख रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है, संतान बाहर जा सकती है, पिता की लाइफ में यात्राएँ हो सकती हैं, माता की लाइफ में यात्राएँ हो सकती हैं, और माता पिता की लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हो सकते हैं आपके, इस चीज़ को भी यहाँ पर दिखा रहा है। शुक्र और बुध यहाँ पर है तो फीमेल से और अपने छोटों से आपको बना के रखना है, बुआ, चाची, मौसी, इन सब से कुछ मतभेद होने के चांस यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर भी 19 तारीख को क्या होगा, 19 तारीख को आपके जो बुध हैं, 19 तारीख को आपके बुध जो हैं सिंह राशि में चले जाएंगे यहाँ पर, फिर यहीं पर रहेंगे। ये प्रेम का योग बनता है, पंचमेश सप्तम में आ रहा है, तो लाइफ के लाइफ में किसी का आना, जीवन में किसी का आना, अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह आदि के योग हैं तब ही ये सफल होगा, पर हाँ इस तरह के योग जरूर बनने, और नहीं तो आपकी फ्रेंडशिप में, रिश्तों में मधुरता जो है वो 19 तारीख के बाद आने वाली है, ये जरूर है। शनि की साढ़े साथी होने के बावजूद मधुरता आएगी, निकटता आएगी, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और वैसे भी कम्युनिकेशन तो बढ़ना ही चाहिए। अक्सर लोगों में जो गलत फहमी होती है वो इसीलिए होती है कि वो कभी कह नहीं पाते, उनकी सिचुएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो उनकी बात है, और वो व्यक्ति भी उस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपना पक्ष कह रहा होता है, वो अपना पक्ष कह रही होती है, दूसरे का पक्ष हम सुनना चाहते ही नहीं है। तो इस चीज़ को हटाइए और एक दूसरे को समझने की प्रयास कीजिए तो चीज़ें बेहतर अवश्य होंगी। इसके बाद केतु को देख लें भैया, केतु अष्टम में, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पेट का ख्याल रखो, आप ससुराल में अगर आप कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो वहाँ आपको ख्याल रखना है, आपकी स्पाउस या आपके जो पति हैं, आपकी जो पत्नी है, उनकी वाणी में कुछ कड़वाहट रह सकती है, भले ही वो सत्य बोलें, वो इतनी तीक्ष्णता से सत्य बोल सकते हैं जो आपको बुरा लग जाए, तो भाई बुरा लग जाए, पर आप जब ज्योतिष का वीडियो देख रहे हो तो उसका यही रेमेडी हुई कि वो कहें भी तो आप ध्यान ना दो, सोचो यार ये तो केतु ही बोल रहा है, वही रियल रेमेडी है। बाकी गणेश जी की पूजा करना भी इसकी एक रेमेडी है, मछलियों को आटे की गोली खिलाना, कुत्तों को आप कुछ रोटी वगैरह डालना, वो भी केतु की रेमेडी होती है, संतों का सम्मान करना ये भी केतु की रेमेडी है। वहीं आपके जो राशि के स्वामी हैं शनि, खुद ही वक्री हो रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतों का सम्मान करें, वृद्ध लोगों का, ओल्ड लोगों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली में जो आपके वृद्ध लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अगर पॉसिबिलिटी है तो उनसे बातें करें, उनको अकेला ना होने दें, गरीबों का ख्याल करें, जो लोग दुख दर्द में हैं उनकी सेवा करें, साथ में हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, महादेव की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं, जरूर शनिदेव आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट देंगे। खर्चा बढ़ेगा, विदेश यात्रा वगैरह होने का चांस बनता है। अब बढ़ जाते हैं कुछ जो शुभ तारीखें हैं, है ना, शुभ तारीखें कौन सी हैं इस महीने में, तो अगर हम उसकी बात करें तो विवाह के लिए आपका 9, 11, 12, 13, 14 और 15 कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है विवाह के लिए, किसी के साथ हमको रिश्ते में आना है, उसके लिए भी ये शुभ है। व्हीकल की बात करें तो इस महीने व्हीकल के लिए आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि गुरु मंगल योग बन रहा है यहाँ पर, और जमीन के संबंधित भी शुभ तिथियाँ हैं। तो पहले व्हीकल को देख लेते हैं, 3, 14, 15, 17, 21, 22 ये जहाँ हैं ज़्यादा शुभ तारीखें हैं, इसके साथ साथ 26 और 31। वहीं प्रॉपर्टी की बात करें तो 6, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31, तो 17, 26, 31 ये कई बहुत अच्छी तारीखें आ रही हैं, 17, 26 काफ़ी शुभ है। इसके साथ साथ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31 ओवरऑल मैंने बता दिया कौन सी तारीखें शुभ हैं, कुछ करना हो तो इन दिनों में कर सकते हैं। अब त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं, त्योहार हमारी पहचान है, त्योहार हमारी संस्कृति है, त्योहार बताता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो 7 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, उसका प्रारंभ होगा। 17 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आपका
21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 2 तारीख को योगिनी एकादशी है और 17 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है, या फिर इसको हम देवशयानी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु जो हैं क्षीर सागर में जाके नींद के लिए जाते हैं। एक तरह का सिंबॉलिज्म है कि हमको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है कि बिजनेस से टूट के व्यापार में आ गए या व्यापार छोड़ के बिजनेस में आ गए, और करना भी है तो फिर दशा महादशा काफ़ी कुछ चेक करके करना होता है। ओवरऑल गोचर के हिसाब से हम कहेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं करना है। 5 तारीख की आषाढ़ा अमावस्या है, 24 की संकष्टि है आपका, 4 की शिवरात्रि, 3 और 18 का प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय। 21 तारीख की आषाढ़ा पूर्णिमा है, 16 तारीख की संक्रांति है, सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 16 तारीख को होगा, 16 तारीख को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। जब 16 तारीख को सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और एक दूसरे से बना के रखनी है। हालांकि बुध की वजह से 19 के बाद आपको बुध का सपोर्ट मिल जाएगा तो ओवरऑल ठीक ही है। पढ़ाई लिखाई में 16 तारीख के बाद हम ये कह सकते हैं थोड़ा एफर्ट की जो ज़्यादा आवश्यकता होगी। अब इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है सभी कुंभ राशि वालों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।